ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स, मैं सुमित कुमार सिंह, आप तमाम यूपीएससी एस्पिरेंट्स या अन्य कोई कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का इस मगध पुत्र ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। माय डियर फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी देखिए। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में कह सकते हैं कि जब हम मुख्य परीक्षा देते हैं तो उसमें हमें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट का कह सकते हैं कि वैकल्पिक विषय का चयन करना होता है। उसके दो पेपर्स होते हैं, पेपर वन और पेपर टू। तो आज हम लोग इस वीडियो में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2021 का जो है हम लोग कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी जो विद्यार्थी एज ए ऑप्शनल वैकल्पिक विषय के रूप में चुनते हैं इसका हम लोग डिटेल्ड सिलेबस देखेंगे। मतलब बस हम एट ए ग्लेंस पहली नज़र में हम इसका कंटेंट को रीड करने जा रहे हैं, ठीक है जी। हम कोई विश्लेषण या कोई एनालिसिस नहीं करेंगे, मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ आपकी सुविधा के लिए। हम यहाँ रीड करेंगे और देखेंगे कि इसके अंतर्वस्तु में, इनके कंटेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, पहले पेपर वन से प्रारंभ करेंगे, फिर आने वाले वीडियो कह सकते हैं इसी वीडियो में आगे हम पेपर टू देखेंगे। तो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी पेपर वन, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड ऑडिटिंग। पॉइंट नंबर वन, फाइनेंसिंग और अकाउंटिंग। अकाउंटिंग एज ए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंपैक्ट ऑफ बिहेवियरल साइंसेस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग फॉर डिप्रिसिएशन, इन्वेंट्रीज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, रिवेन्यू रिकॉग्निशन, फिक्स्ड एसेट कंटिंजेंसीज, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस, इन्वेस्टमेंट्स एंड गवर्नमेंट ग्रांट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, अर्निंग पर शेयर, अकॉर्डिंग फॉर शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शंस इंक्लूडिंग बोनस शेयर, राइट शेयर्स, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शंस एंड बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द कंपनी एंड फाइनल अकाउंट्स, एमलगमेशन, एब्जॉर्बेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज। नाउ पॉइंट नंबर टू, कॉस्ट अकाउंटिंग। नेचर एंड फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, इंस्टॉलेशन ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, कॉस्ट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इनकम मैनेजमेंट, प्रॉफिट प्लानिंग, कॉस्ट कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग, मेथड्स ऑफ द कॉस्ट, जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, वॉल्यूम कॉस्ट, प्रॉफिट रिलेशनशिप एज अ टूल ऑफ प्रॉफिट प्लानिंग, इंक्रीमेंटल एनालिसिस, डिफरेंशियल कॉस्टिंग एज अ टूल ऑफ प्राइसिंग डिसीजंस, प्रोडक्ट डिसीजन, मेक और बाय डिसीजन, शट डाउन डिसीजन एक्सेट्रा, टेक्निक ऑफ द कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, बजटिंग एज अ टूल ऑफ द प्लानिंग कंट्रोल स्टैंडर्ड, कॉस्टिंग एंड वेरियंस एनालिसिस, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट। नाउ पॉइंट नंबर थ्री, टैक्सेशन। इनकम टैक्स डिफिनीशन, बेसिस ऑफ चार्ज, इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द टोटल इनकम, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑफ कंप्यूटेशंस ऑफ इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स ओनली अंडर वेरियस हेड्स, सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेंस फ्रॉम बिजनेसेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेंस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम ऑफ अदर पर्संस इंक्लूडेड इन एसीज टोटल इनकम, सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड और फ्लॉस, डिडक्शन फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम, साइलेंट फीचर्स, प्रोविजन रिलेटेड वीएटी एंड सर्विसेस टैक्स। एंड पॉइंट नंबर फोर, ऑडिटिंग। आगे देखिए, कंपनी ऑडिट, ऑडिट रिलेटेड टू, वन सेकेंड, या पॉइंट नंबर फोर ऑडिटिंग एंड कंपनी ऑडिट, ऑडिट रिलेटेड टू डिविजिबल प्रॉफिट, डिविडेंड्स, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, टैक्स ऑडिट, ऑडिट ऑफ बैंकिंग, इंश्योरेंस, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड चैरिटेबल सोसाइटी, ट्रस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड मार्केट्स। पॉइंट नंबर वन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंस फंक्शंस, नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ट्रिक्स एंड रिटर्न रिलेशनशिप्स, टूल ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, फंड्स फ्लो एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, प्रोसेस प्रोसीड्यूर्स एंड अप्राइजल मेथड्स, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस एंड मेथड्स, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉन्सेप्ट एंड कंप्यूटेशन ऑफ स्पेसिफिक कॉस्ट, weighted average cost of the capital, CAPM as a tool of determining cost of equity capital, financing decision theories of the capital structure, net income, NI approach, net operating incomes approach, MM approach and traditional approach, designing of the capital structure, types of leverages, operating financial and combined EBIT, EPS analysis and other factors.
Dividends, Decision and Valuation of Firms, Walters Models, M.M. Thesis, Gordon's Model, Linter's Model, Factors Affecting Dividend Policy, Working Capital Management, Planning of Working Capital, Determinants of the Working Capital, Components of the Working Capital, Cash Inventory and Receivables, Corporate Restructuring with the Focus on Mergers and Acquisitions, Financial Aspects Only. Now, point number two. Financial markets and institution, Indian financial system and overview, money markets, participants, structure and instruments, commercial banks, reforms in banking sector, monetary and credit policy of RBI as a regulator, capital market, primary and secondary market, financial market instruments and innovative debt instrument, SEBI as a regulator, financial services, mutual funds, venture capital, credit rating agencies, insurance and IRDA. ये हो गया पेपर वन. अब हम लोग देखेंगे पेपर टू. ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस. ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर. पॉइंट नंबर वन, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी. नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल एनवायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड लीगल ऑर्गेनाइजेशनल गोल, primary and secondary goals, single and multiple goal, management by objectives, evolution of organization theory, classical, neo classical and system approach, modern concept of organization theory, organizational design and organizational structure and organizational culture, organizational design, basic challenge, differentiation and integration process, centralization and decentralization process, standardization, formalization and mutual adjustment, coordinating formal and informal organization, mechanistics and organic structures, designing organizational structures, authority and control, line and staff, functions, specialization and coordination, types of organization structure, functional matrix structure, project structure, nature and basis of power, sources of power, power structure and politics, impact of information technology on organizational design and structure, managing organizational culture. Now, point number two, organization behavior, meaning and concept, individual in organization, personality, theories and determinants, perception, meaning and process, motivation, concept, theories and applications, leadership, theories and style, quality of work life, meaning and its impact on performance, way of its enhancements, quality circles, meaning and their importance, management in conflict, in organizational transactional analysis, organizational effectiveness, management of change. Now, human resources management and industrial relation. Human resources management, HRM, meaning, nature and scope of HRM, human resource planning, job analysis, job description, job specifications, recruitment process, selection process, orientations and the placement, training and development process, performance appraisal and 360 degree feedback, salary and wage administration, job evaluation, employees welfare, promotion, transfer and separation. Point number two, industrial relations, meaning, nature and importance and scope of IR, formation of the trade union legislation, trade union movement in India, recognition of the trade union, problems of the trade unions in India, impact of liberalization on trade unions movement, nature of industrial dispute, strikes and lockouts, causes of disputes, prevention and settlements of dispute, workers' participations in management, philosophy, rational, present-day status and future prospect, adjudication and collective bargaining, industrial relations with public enterprises, absentees and labor turnover in India's industries and their causes and remedies, ILO and its functions. तो ये रहा पेपर टू का सिलेबस. ऑलरेडी हम लोगों ने पेपर वन का सिलेबस देख चुके हैं और हम लोग आज देख रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा 2021 कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, वैकल्पिक विषय जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है मेंस एग्जामिनेशन मुख्य परीक्षा का, उसका डिटेल्ड सिलेबस. आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे.